नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आपकी पुस्तक हिंदी व्याकरण से हम शुरू कर रहे हैं पाठ संख्या 5। और पाठ संख्या 5 है लिंग। तो आपको पता है बच्चों के लिंग क्या होते हैं, जैसे कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग आदि। तो इसी के बारे में हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। सभी तरह की संज्ञाएं या तो स्त्रीलिंग होती हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नामों को। तो सभी तरह की संज्ञाएं या तो स्त्रीलिंग होती हैं अथवा पुल्लिंग, अर्थात कुछ शब्द स्त्री जाति की पहचान कराते हैं और कुछ पुरुष जाति की। इस प्रकार के शब्दों को व्याकरण में लिंग कहा जाता है। निम्नलिखित को देखो, माता और पिता, लड़की और लड़का, गाय और बैल। ऊपर दिए गए चित्रों में माता, लड़की और गाय से स्त्री जाति का बोध हो रहा है कि ये स्त्री जाति से हैं। इसी तरह से पिता, लड़का और बैल पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। ये सभी शब्द रूप लिंग हैं। तो लिंग की परिभाषा है, जिस चिन्ह शब्द से पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। अब है लिंग के भेद। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग में देखेंगे, शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है कि ये जो शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है ये पुरुष जाति के लिए प्रयोग किया गया है, तो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे राजा, शेर, दादा, कुत्ता। अब है स्त्रीलिंग, शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे रानी, गाय, दादी, नर्स आदि। लिंग की पहचान अब हम कैसे करें। लिंग की पहचान दो प्रकार से की जाती है, शब्द के अर्थ से और शब्द के रूप से। प्राणीवाचक शब्दों में लिंग की पहचान शब्द के अर्थ से व निर्जीव वस्तुओं में शब्द के रूप से की जाती है। जो सजीव होते हैं, जिनमें प्राण होते हैं, उनमें पहचान की जाती है शब्द के अर्थ से, और जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनमें पहचान की जाती है शब्द के रूप से। अब पुल्लिंग की पहचान देखते हैं। निम्न प्रकार के शब्द प्राय पुल्लिंग होते हैं, भारी और बड़ी वस्तुओं के नाम, जैसे पुल, हथौड़ा, मकान, रॉकेट आदि। अब इसमें भी अपवाद है, रेल। रेल भी भारी है, लेकिन रेल हम पुल्लिंग में प्रयोग नहीं करते, रेल हम स्त्रीलिंग जाति के लिए प्रयोग करते हैं। देशों के नाम, चीन, भारत, जापान, इंग्लैंड, अमेरिका आदि। तो ये प्राय पुल्लिंग होते हैं। ग्रहों के नाम, बुध, मंगल, शुक्र, वरुण आदि, ये सब ग्रह पुल्लिंग जाति के होते हैं। इसमें अपवाद है पृथ्वी, पृथ्वी के लिए हम स्त्रीलिंग जाति का प्रयोग करते हैं। सागरों के नाम, हिंद महासागर, काला सागर, लाल सागर, अरब सागर आदि। वृक्षों के नाम, बरगद, नीम, वट, ताड़ आदि। दिन, महीने और संवत के नाम, रविवार, जनवरी, चैत्र आदि। इसमें अपवाद है मई आदि, मई का महीना जो है वो इसमें अपवाद है। धातुओं के नाम, सोना, तांबा, सीसा, जस्ता आदि। अपवाद है चांदी, चांदी पुल्लिंग जाति में प्रयोग नहीं होती है। चलिए, महाद्वीपों के नाम, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया आदि। अनाजों के नाम, गेहूं, उड़द, बाजरा, चना आदि। अपवाद है मूंग आदि। फलों व फूलों के नाम, गुलाब, गेंदा, अमरूद आदि, और इसमें अपवाद है चमेली आदि। अब देखेंगे कि हम स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करेंगे। तो निम्न प्रकार के शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, भाषाओं के नाम, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, तमिल, जापानी आदि। नदियों के नाम, गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी आदि। झीलों के नाम, डल, चिल्का, सांभर, मानसरोवर आदि। पुस्तकों के नाम,
गीता, रामायण, महाभारत, गीतांजलि आदि छोटी वस्तुओं के नाम हथौड़ी, कील, तीली, माचिस, सलाई आदि, तिथियों के नाम पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, दशमी आदि, लिपियों के नाम देवनागरी, गुरुमुखी, फारसी, रोमन आदि, समूहवाचक शब्द रोना, भीड़, कक्षा, सभा आदि। तो ये सभी शब्द जो हैं ये प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। लिंग परिवर्तन। हिंदी में लिंग परिवर्तन पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम निम्न प्रकार है। जब हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं तो उसके कुछ नियम हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं। शब्द के अंतिम अ या आ को, शब्द में अ या आ की ध्वनि हो तो उसे ई में बदलते हैं, बड़ी ई में। जैसे कि बेटा बेटी, बकरा बकरी, लड़का लड़की, देव देवी, काका काकी, मुर्गा मुर्गी, सखा सखी, दादा दादी। अब अगर शब्द के अंतिम अ आए, शब्द के अंत में अ की ध्वनि हो तो उसे हम आ में बदल देते हैं। जैसे कि बाल बाला, वृद्ध वृद्धा, सुत सुता, आत्मज आत्मजा, पूज्य पूज्या, आचार्य आचार्या। आगे चलते हैं। कुछ शब्दों के अंत में नी जोड़कर, जैसे जाट जाटनी, मोर मोरनी, चोर चोरनी, भील भीलनी, शेर और मास्टर आप स्वयं करेंगे। कुछ शब्दों के अंत में इन जोड़कर, जैसे कि धोबी धोबिन, यहाँ पर देखेंगे आप छोटी की मात्रा बताई गई है। नाई नाइन, कहार कहारिन, सुनार सुनारिन, तेली और माली आप स्वयं लिखेंगे। अंतिम अ या आ के स्थान पर हम इया जोड़कर शब्द बनाते हैं। जैसे बंदर का बन जाएगा बंदरिया, डोटा लुटिया, चूहा चुईया, बूढ़ा बुढ़िया। अब ये जो दो शब्द हैं कुत्ता और बेटा, ये आप स्वयं करेंगे। नंबर 6 पर देखेंगे, कुछ शब्दों के अंत में हम आनी या आइन जोड़कर शब्द बनाते हैं। जैसे देवर देवरानी, जेठ जेठानी, लाला ललाइन। और अब नौकर का आप स्वयं स्त्रीलिंग शब्द बनाएंगे। तत्सम शब्दों के अंतिम वान को वती कर देते हैं व अंतिम मान को मती कर देते हैं। जैसे गुणवान गुणवती, शक्तिमान शक्तिमती, धनवान धनवती, ज्ञानवान ज्ञानवती, श्रीमान और पुत्रवान आप स्वयं बनाएंगे। कुछ शब्दों के अंतिम ता को, तो शब्दों के अंत में ता आता है, उसे त्री में बदल देते हैं। जैसे नेता नेत्री, दाता दात्री, अभिनेता अभिनेत्री, और कर्ता का स्त्रीलिंग आप स्वयं लिखेंगे। कुछ शब्दों के अंतिम अक को इका कर देते हैं। जैसे गायक गायिका, पाठक पाठिका, सेवक सेविका, बालक बालिका। लेखक और अध्यापक का स्त्रीलिंग शब्द आप स्वयं लिखेंगे। अब कुछ पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग पूर्णतया भिन्न होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे भाई बहन, पुरुष स्त्री, विद्वान विदुषी, वर वधु, वीर वीरांगना, राजा रानी। कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होते हैं, मतलब इनके जो शब्द होते हैं वो समान होते हैं पुल्लिंग में भी और स्त्रीलिंग में भी, लेकिन लिंग परिवर्तन के लिए इनमें क्रमशः मादा और नर जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ पुल्लिंग दिए हुए हैं उल्लू, तो उल्लू का स्त्रीलिंग होगा मादा उल्लू, गैंडा मादा गैंडा, मच्छर मादा मच्छर, कौआ मादा कौआ। इसी तरह से यहाँ स्त्रीलिंग दी हुई है मक्खी नर मक्खी, तितली नर तितली, चील नर चील, गिलहरी नर गिलहरी। तो इनके शब्द तो समान होते हैं, लेकिन लिंग परिवर्तन के लिए इनमें मादा या नर हम जोड़ देते हैं। चलिए
अब करते हैं अभ्यास कार्य, क्या पढ़ा क्या सीखा। लिंग की परिभाषा उदाहरण सहित दो। तो लिंग की परिभाषा क्या है? शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे राजा पुल्लिंग, रानी स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं उदाहरण सहित समझाओ, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं सोधारण बताओ। तो ये आप पाठ के आधार पर बच्चों स्वयं करेंगे। निम्नलिखित शब्दों के लिंग लिखो। हमें यहाँ पर लिंग लिखने हैं कि ये पुल्लिंग जाति में आते हैं या स्त्रीलिंग में। नाला पुल्लिंग, गुलाब पुल्लिंग, पक्षी पुल्लिंग, डंडा पुल्लिंग, दीदी स्त्रीलिंग, गंगा स्त्रीलिंग, हथौड़ी स्त्रीलिंग और कवि पुल्लिंग। अब ये जो बाकी के बचे हुए शब्द हैं ये बच्चों आप स्वयं बताएंगे कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन करो। तो यहाँ पर हमें पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलना है। सुत सुता, नौकर नौकरानी। अब ये जो दो शब्द हैं पुल्लिंग, इन्हें आप स्वयं स्त्रीलिंग शब्दों में बदलेंगे। यहाँ स्त्रीलिंग दिए हुए हैं, हमें इनके पुल्लिंग लिखने हैं। बालिका का पुल्लिंग होता है बालक, शेरनी का पुल्लिंग है शेर। अभिनेत्री और चील को आप स्वयं लिखेंगे पुल्लिंग शब्दों में बदलकर। निम्नलिखित शब्दों को उचित शीर्षक के अंतर्गत लिखो। तो यहाँ पर हमें दो शीर्षक दिए हुए हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, और हमें इनमें से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग छांटने हैं। यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ किए हुए हैं और ये चार शब्द आप स्वयं इनमें लिखेंगे। तो जैसे चोर, लाला, पहाड़, पतीला, ये शब्द आते हैं पुल्लिंग शब्दों के अंतर्गत। रोशनी, बाला, नेत्री, छात्रा, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो बच्चों ये जो बचे हुए चार शब्द हैं ये आप स्वयं लिखेंगे। आप पाठ का पुनः पाठन करेंगे और इन सभी प्रश्नों के उत्तर स्वयं देंगे। तो आशा करती हूँ कि अब आपको ये पाठ लिंग अच्छे से स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। आभार। मिलते हैं नए पाठ के साथ।